नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोरागो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम जो है महालक्ष्मी के बारे में बताने वाले हैं कि महालक्ष्मी जो है कृपा करने से पहले कैसे आपको संकेत देती हैं, कैसे शुभ संकेत दे करके आपको जो है जानकारी देती हैं, उसको जो समझ लेता है वो महालक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसमें हर तरह से आपको अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छी उपाय जो है बताते हैं जो आपके जीवन को बदल देगी, शुभ लाभ देगी, शुभ संकेत देगी और उसे करने से आप लोगों को जो है अलग अलग तरह से धन धान की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ति होगी और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जान लेते हैं माँ लक्ष्मी देती हैं घर में आने से पहले 10 शुभ संकेत। ये बहुत ही रोचक जानकारी हम लेकर के आए हैं। जीवन में कई बार हम अनेक परेशानियों से घिरे रहते हैं, इसके बावजूद भी हमें स्वप्न के माध्यम से माँ लक्ष्मी के घर में आने और बहुत सारा धन मिलने से पहले पूर्व संकेत मिलने लगते हैं। आइए जानिए कि उसका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, यदि सपनों के माध्यम से कब होगा महालक्ष्मी का घर पर आपके आगमन। यदि स्वप्न में सांप को बिल में देखा जाए या बिल के साथ ही देखें तो आपको समझ लीजिए कि आकस्मिक धन, अचानक ही धन प्राप्ति के संकेत दे रहा है। यदि आप स्वप्न में खुद को किसी वृक्ष पर चढ़ते हुए देखते हैं तो आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकता है। अगर आपको स्वप्न में नृत्य करती हुई, नाच करती हुई स्त्री दिख जाए, कन्या दिख जाए तो समझ लेना कि धन प्राप्ति का संकेत है। यदि स्वप्न में आपसे सोना गोल्ड देखा हो तो ये भी धन प्राप्ति के संकेत हैं, आपके घर माँ लक्ष्मी के आगमन का सूचक है, यानी आप मालामाल होने के कगार पर हैं, आपको धन प्राप्ति होने के योग्य बन रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हैं। बस क्या है कि महालक्ष्मी का फिर ध्यान करें और उनका आवाहन करें। यदि आपने स्वप्न में कहीं मधुमक्खी का लगा हुआ छत्ता देखा है तो ये भी धन लाभ का संकेत देता है। अगर आपने स्वप्न में चूहों को देखा है तो आपके घर में भरपूर धन धान का आगमन हो सकता है। अगर आप स्वप्न में किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर स्वयं महालक्ष्मी पधारने वाली हैं और आपको धन लाभ के साथ साथ सफलता भी मिलने वाली है। अगर आप स्वप्न में कानों के बाली या कानों में बाली धारण किए हुए जो देखते हैं ये भी धन प्राप्ति का संकेत है। यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो समझिए आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने वाला है। अगर आप स्वप्न में खुद को अंगूठी पहने हुए देखते हैं तो आपके घर महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है और आप जो है अगर ऐसे स्वप्न आए और ऐसा शुभ संकेत आए तो आप जो है महालक्ष्मी का ध्यान करें और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर घी का दीवा जलाएं और महालक्ष्मी का ध्यान करें, मन ही मन उनका गुणगान करें। महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।